हेलो दोस्तों, मैं इंदु कौशल एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में आप सबका वेलकम करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आज आप सबके लिए कहानी लेके आई हूँ। छोटी सी कहानी है चिड़िया और बिल्ली की। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। एक दिन म्याऊं बिल्ली और चींची चिड़िया ने मिलकर क्या बनाया? खीर, स्वादिष्ट यम्मी यम्मी खीर। किसने बनाई? म्याऊं बिल्ली और चींची चिड़िया। वे प्लेट में खीर को डालकर खाने बैठ गए दोनों, पर उन्होंने देखा कि खीर तो बहुत गर्म है और आसपास कोई चम्मच भी नहीं है। तो चींची चिड़िया ने म्याऊं बिल्ली से कहा, म्याऊं बिल्ली, मैं जल्दी से चम्मच ढूंढ कर लाती हूँ, तुम वेट करना, ओके? ये कहकर चिड़िया उड़ गई। लेकिन जो म्याऊं बिल्ली थी ना, उसको भूख बहुत लग रही थी। उसने वेट किया, बट उससे वेट ज़्यादा नहीं हो पा रहा था और खीर की खुशबू से भूख भी और ज़्यादा लग गई थी। म्याऊं बिल्ली के मुंह में पानी आ रहा था, उससे रुका नहीं जा रहा था। तो उसने क्या किया, सारी की सारी खीर खा ली, चट कर गई। कौन चट कर गई? म्याऊं बिल्ली। और फिर क्या हुआ, जैसे ही खीर ख़त्म हुई, वैसे ही जो म्याऊं बिल्ली का पेट फूल गया और फूलते फूलते गुब्बारा बन गया। ये देखो पिक्चर में कैसा बन गया, वे गुब्बारे की तरह हवा में उड़ने लगी। जब उसने नीचे देखा तो वो डर गई, क्योंकि बहुत ऊपर आ गई थी और नीचे सब कुछ छोटा छोटा नज़र आ रहा था। बादलों के बीच में गुजरते हुए वह उड़े जा रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था, उसे धरती पर वापस उतरने का कोई आइडिया भी नहीं याद आ रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसको अपनी गलती अब याद आ गई और समझ आ गया कि उसी की मुझे ये सज़ा मिली है। इसी बीच क्या हुआ, एक कौवा वहाँ पर आ गया। उसने क्या किया, उसके पेट में चोंच मार दी और उसके जो पेट की हवा थी वो सारी बाहर निकल गई और वो धड़ाम से धरती पर आकर गिर गई। और उसने अपनी चींची जो फ्रेंड थी ना चिड़िया, उससे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और उसकी जो फ्रेंड थी उसने भी उसको माफ़ कर दिया और उसने ये कहा कि अब वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी, उसको अपनी गलती की सज़ा मिल गई। तो देखा दोस्तों, क्या सी अच्छी स्टोरी थी। आपको क्या शिक्षा मिली इससे? लालच का फल बुरा होता है। उसने लालच किया कि वो तो पता नहीं कब आएगी, अपने हिस्से की तो खाई, उसके हिस्से की भी खा गई और फिर देखा ना आपने क्या हुआ। इसलिए दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, लालच नहीं करना चाहिए। अपने हक का, अपने ही हिस्से का ही कुछ भी हो, खाना हो, भोजन, पैसा, ज़मीन, कुछ भी हो, अपने हक का ही प्रयोग करना चाहिए। कभी किसी के दूसरे की चीज़ के ऊपर अपनी नज़र कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसका फल ज़रूर मिलता है। अपना जो हक है उसको लीजिए, लेकिन अपने हक से ज़्यादा किसी दूसरे का हक नहीं मारना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। टेक केयर।